हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जैन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड सेवन का मैथ्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे नया लेसन, लेसन नंबर 11। क्या नाम है? सर का। बहुत ही सिंपल है। आपने सर्कल तो बहुत सारे अलग अलग जगहों पे देखा होगा रियल लाइफ में, शेप में, ठीक है। सर्कल क्या होता है? इसे हम लोग एक राउंड शेप में ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल। अब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन समझेंगे और कुछ डेफिनेशन। फर्स्ट क्या दिया है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस क्या होता है? जो सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये जो पूरा है लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। जैसे मैंने बताया ना, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस किसको बोलते हैं? जो सर्कल की पूरी बाउंड्री रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। अभी सर्कमफेरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी से। रेडियस क्या होता है? जिसको आर से डिनोट करते हैं। कि किसी भी सर्कल के सेंटर पॉइंट से, ठीक है, सेंटर पॉइंट से जो एक लाइन ड्रॉ होती है वो कहाँ पर टच होती है? जो बाउंड्री लाइन है वहां पर टच होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। और अगर जैसे ही कि हम लोग ने उस रेडियस को एक्सटेंड किया उसी सेंटर पॉइंट से, और वो क्या करती है? दूसरे तरफ बाउंड्री लाइन को टच करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। अभी जैसे अगर इसमें हमें फाइंड करने के लिए दे दिया कि फाइंड सर्कमफेरेंस, फाइंड रेडियस, फाइंड डायमीटर, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है। सी फॉर क्या आ जाएगा? सर्कमफेरेंस इक्वल टू पाई डी। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है? तो पाई की वैल्यू यहाँ पे दो है, 22/7 या फिर 3.14, जो हमें यूज करना रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे यूज करें। अगर कुछ नहीं दिया तो पाई की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे? 22/7। अगर हमें रेडियस फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो आर इक्वल टू, रेडियस फाइंड करना है तो d/2। d/2 मतलब क्या होगा? ये पूरा पूरा डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर क्या है? पूरा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ डायमीटर अगर हमें रेडियस फाइंड करना है तो। और उसी तरह अगर हमें डायमीटर फाइंड करना है और रेडियस हमें पता है, उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? 2 × r। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज पता रहेगा तो हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई अगर हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ना यहाँ पे, इसी के थ्रू हम लोग फॉर्मूले को और बना सकते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको समझ में एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस सेट है हमारा 42। क्या है? 42। मैं यहाँ पे लिख दे रहा प्रैक्टिस सेट 42 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अभी यहाँ पे हमें क्या करना? टेबल कंप्लीट करना। फर्स्ट में क्या दिया? 7 cm डायमीटर पता ही नहीं है, रेडियस क्या है 7, डायमीटर पता नहीं, सर्कमफेरेंस पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। किसका फॉर्मूले का यूज करके? क्या दिया है? 7 cm, मतलब क्या है? आर दिया है हमें, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? डी फाइंड करना है, मतलब डायमीटर, और सी फाइंड करना है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। C इक्वल टू पाई डी। डी है क्या हमारे पास? नहीं है, लेकिन हमारे पास रेडियस तो है, तो रेडियस हम लोग डी फाइंड कर सकते हैं। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 × r। कितना आ जाएगा? 2 r कितना है? 7 cm, तो कितना आ जाएगा? 14 cm। हमें D मिल गया, है कि नहीं? D कितना मिल गया? 14 cm। यहाँ पे लिख लो आप 14 cm, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है? सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? सी पाई डी, सी पाई डी, ठीक है। पाई कितना जाएगा? 22/7 इंटू डी कितना मिल गया हमें? 14 cm। 7 × 7, 7 × 2 = 14,
क्या मल्टीप्लाई कर दो 22 × 2 कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा सर्कमफेरेंस हो गया। आंसर में इसका आंसर यहीं पे फिल करते चले जाएंगे हम लोग 44 सेंटीमीटर। उसी तरह हम लोग देखेंगे सेकंड, अभी सेकंड में क्या दिया है रेडियस भी दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है पहले वैल्यू लिख लो, रेडियस नहीं है डायमीटर है 28 सेंटीमीटर और सर्कमफेरेंस भी नहीं है। ठीक है तो पहले हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं रेडियस फाइंड कर सकते हैं कैसे, तो रेडियस इक्वल टू क्या जाएगा डी अपॉन टू, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 28/2 मतलब रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर हो जाएगा 2 × 2 और 14 × 18 है कि नहीं, तो 2 × 2 और 2 × 8 हो गया 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे सर्कमफेरेंस, तो कितना आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर है कि नहीं दूसरे पर, और सी इक्वल क्या आ जाएगा पाई डी, तो 22/7 डी कितना है हमें मिल गया ऑलरेडी दिया ही था मिला नहीं था फाइंड किया हुआ ही था, तो 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दो इससे हम लोग क्रॉस डिवाइड कर देंगे 7 × 7 = 28 तो 22 × 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर है कि नहीं एकदम सिंपल। उसी तरह हम लोग देखेंगे थर्ड, थर्ड क्या दिया हुआ है रेडियस भी नहीं है डायमीटर भी नहीं है डायरेक्ट सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया है डायमीटर भी नहीं दिया है सर्कमफेरेंस कितना है तो 6.16 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे सर्कमफेरेंस का एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे सी इक्वल टू पाई डी। ठीक है अगर देखो सी दिया हुआ है हमें तो 6.16 इक्वल पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी तो 22/7 इंटू डी दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ मतलब हम लोग डी पहले फाइंड कर लेंगे डायमीटर। अभी देखो यहाँ पर है इक्वल एक पूरा है ना तो 22/7 है तो जब हम लोग इक्वल के लेफ्ट साइड में सेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 6.16 ये डिवीजन में है ना तो ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और ये क्या है मल्टीप्लाई में है ना तो यहाँ पर आ जाएगा तो डिवीजन में चेंज हो जाएगा ये इक्वल। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे डिवाइड कर दो पहले इन दोनों को नंबर्स को डिवाइड कर दो 2 से डिवाइड कर दो 2 × 2 2 × 2 है कि नहीं 2 × 3 = 6 फिर 2 × 8 = 7 तो क्या बचेगा हमारे पास 308 × 7/11 = d। अब हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 × 7 = 7 × 8 = 56 ठीक है और 7 × 3 = 21 डिवाइड बाय 11 = d। अभी क्या करेंगे आप पूरे को पूरे डिवाइड कर देंगे 11 से, चलो डिवाइड कर दे रहा है यहाँ पे 2 × 5 = 6 11। अभी देखो 11 बन जाएगा 2 टाइम नहीं जाएगी तो 22 नहीं होगा 11 बन जाए 11 − 0 = 5 अभी कितने टाइम में जाएगा 11 × 9 = 99 माइनस 15 में से 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 6 है कि नहीं और ये 0 हो जाएगा और ये 6 नीचे 11 × 6 = 66 माइनस 0 0 तो डी कितना आ जाएगा हमारा डी कितना आ जाएगा 196। अभी डेसिमल कितने डिजिट के बाद है 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल ले लो मतलब डायमीटर कितना आ गया 1.96 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे हमें डायमीटर मिल गया है सर्कमफेरेंस तो दिया ही था लेकिन हमें क्या फाइंड करना है अभी रेडियस फाइंड करना है कि नहीं। सेकंड वाले में हम लोग फिल कर लेंगे ए कितना जाएगा हमारा 88 सेंटीमीटर डायमीटर मिल गया हमें कितना 1.96 सेंटीमीटर
है कि नहीं। अब हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, रेडियस। रेडियस क्या आता है, डी अपॉन टू, 1.96 डिवाइड बाय 2। अभी डिवाइड कर दो, डेसिमल को ऐसे ही रहने दो, जितने डिजिट के बाद डेसिमल है। अभी ये सपोज करो 19 है, जिसे मैं यहाँ पर बता रहा है 196, है कि नहीं। 2 9 18, है कि नहीं, 0 और 2 8 16, कितना आ जाएगा 98। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2, उसके बाद डेसिमल ले लो, 0.98 सेंटीमीटर। क्या जाएगा, 0.98 सेंटीमीटर। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, अभी देख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस भी नहीं दिया, डायमीटर भी नहीं दिया, क्या दिया है, सिर्फ सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। तो फाइंड कर लेंगे हम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो आर दिया है, नहीं दिया है, डी नहीं दिया, सी तो दिया है हमें, कितना है 72.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग कौन सा पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस का, सी पाई डी, है कि नहीं, पाई डी। सी कितना दिया है, तो 72.6 सेंटीमीटर, पाई हमें पता नहीं, क्यों नहीं पता, 22/7 इंटू डी ऐसे आ जाएगा 72.6। अभी ये यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 22 डिवीजन में आ जाएगा और ये डी ऐसे, ठीक है। पहले क्या करो, थोड़ा सा वैल्यू को रिड्यूस कर लो, इसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 1 2 2 1 2, ठीक है। ये पूरे नंबर्स को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा 363 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 363 × 7 डिवाइड बाय 11, डेसिमल तो इसी रहेगा, इक्वल टू डी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21, है कि नहीं, 21 हो जाएगा, और 7 6 42 42 × 2 46, है कि नहीं, और 4 कैरी हो जाएगा, 7 3 21 and 25, कितना जाएगा 2 5 1 2 5 6 1, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो हमें डायमीटर मिल जाएगा, तो डिवाइड कर दो 2 5 6 1 डिवाइड बाय 11, 11 2 22 − 3 0, 11 3 33 − कितना आ जाएगा 3 0 और 1, है कि नहीं। उसी तरह फिर हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं इसको, 11 2 23, नहीं हो रहा, मतलब क्या हो रहा है, हमारा आंसर पहले कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेंगे, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब पहले कहीं हमारा मिस्टेक हो गया है। चेक कर लेंगे यहाँ पे, 2 1 2 2 1 2, 2 3 6, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 6 12, है कि नहीं, और 2 3 6, करेक्ट है। यहाँ पे 44 आएगा, 7 3 21, 2 कैरी, 7 6 42, और 2 44 कैरी हो जाएगा, 7 3 21 and 25। अभी हम लोग डिवाइड करके चेक करते हैं, 25 4 1, 11 से 11 2 22 − 3 0 हो जाएगा, 11 3 33 − 1 0, कितना आ गया D=231। डेसिमल कितना डिजिट के बाद था, 1 डिजिट के बाद डेसिमल ले लेंगे, तो 23.1 सेंटीमीटर क्या आ गया, डेसिमल हो गया, हमारा
डायमीटर हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस के लिए क्या है, डी अपॉन टू, तो डी कितना मिल गया 23.1 अपॉन टू, डिवाइड कर दो उसको, 2 माइनस 0, ये 3 ऐसे ले लेंगे, तो 2 माइनस 1, ये 1 ऐसे आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 2 × 10 1.0, कितना आ गया हमारा 115.5। अभी यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक डेसिमल है, मतलब एक डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो टोटल 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा हमारा 11.55 सेंटीमीटर, है कि नहीं एकदम सिंपल। तो ये हो गया हमारा रेडियस, यहाँ पर मिल गया हमें डायमीटर, और सी को हमें मिला ही हुआ था सर्कल पर, हमें पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर मिल गई, है कि नहीं एकदम सिंपल। तो हमारा यहीं पर प्रैक्टिस सेट 42 फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। इसी साथ में अगर जितने लोग चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। अगर आप मेरी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो भी कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।